सो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 8 हमने देखा था लास्ट में, राइट? तो स्टार्ट। नाउ द क्वेश्चन इज नंबर 9, और पहले सबके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। इन फिगर 6.39, मतलब के मैं आपका डायग्राम ड्रॉ करूं, राइट? और डायग्राम ड्रॉ करते करते आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करते जाऊं कि ये आपका डायग्राम है, टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है। बी इज अ राइट एंगल, ये आपका ए, ये आपका सी, मतलब एक ट्राइंगल आपका एबीसी है। और दूसरा अगर आप ध्यान से देखोगे, राइट, तो ये एक ट्राइंगल है एएमपी, एएमपी और दूसरा एबीसी, बराबर। अब हमको गिवन क्या है, तो गिवन लिखेंगे पहले अकॉर्डिंगली। तो लुक एट दिस गिवन, गिवन में है ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एएमपी आर टू राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल्स है, राइट। एंड एंगल बी एज वेल एज एंगल एम दोनों 90 है, मेजर एम और मेजर बी दोनों 90 है, बराबर। हमको जो प्रूव करना है, टू प्रूव में फर्स्ट है ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एएमपी, और दूसरा सीए अपॉन पीए इक्वल टू बीसी अपॉन एमपी। क्लियर? आपको इन बिटवीन बॉर्ड दिखता है, आपको बोर्ड क्लियर दिखता है? एज मैनी ऑफ देम हैव हैबिट टू कम लेट। चलो ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। प्रूफ में आप देखो, राइट, व्हाट इज देयर इन द प्रूफ। तो फर्स्ट कम फर्स्ट, इन ट्राइंगल एबीसी, यहां पे आप देखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एएमपी, जरा ध्यान से देखो। तो मैं आपके लिए सेपरेटली ड्रॉ करूं, ये आपका सी, ये आपका बी और ये आपका ए। दूसरा आपका कौन सा ट्राइंगल है, राइट? तो अगर ऐसे ही यहां पे मैं आपके लिए ड्रॉ करूं तो ए, राइट, ये एम और ये पी। अब आपको क्लियर दिखता है यहां पे सिमिलैरिटी के लिए दो एंगल, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम। रीजन क्या है, तो के 90, राइट, राइट एंगल्स। और दूसरा अगर आप लोग देखेंगे तो सी ए बी, एंगल सी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी ए एम, दोनों में एंगल कॉमन है, राइट, एंगल इज कॉमन। अगर ऐसा है, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम, एंगल सी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी ए एम बाय ए सिमिलैरिटी, बाय ए कौन से ट्राइंगल के बीच में सिमिलैरिटी हुई, तो ए बी सी इज सिमिलर टू वॉट, एएमपी। और एक बार सिमिलर हो गए कोई भी क्राइटेरिया से, तो हमको जो प्रूव करना है वो हम लोग लेंगे, राइट। यहां से मैं हाइपोटेन्यूस लूंगा तो के सी ए, तो यहां पे भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूस सी ए, राइट, वहां पे पी ए, सी ए अपॉन पी ए। और इस तरफ से मैं ऑल्टीट्यूड लेंगे बी सी, तो इस तरफ से भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, पी एम। हेंस अगर एक बार ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ए एम पी बाय ए ए, एक राइट एंगल और एक कॉमन एंगल से, तो हम लोग यहां से रेशियो ले सकते हैं। मैंने यहां से लिया सी ए, यहां से लिया पी ए, यहां से जो लो उसी साइड का ही रेशियो लेना पड़ेगा। यहां से मैंने लिया बी सी, यहां से मैंने लिया पी एम, हेंस प्रूफ। तो अगर आप लोग देखेंगे तो दोनों, राइट, वन बाय वन, एक पहले ये प्रूफ हुआ और इसके बाद ये प्रूफ हुआ, दिस हाउ इट्स ओवर। दूसरे के लिए तैयार रहो, सेकंड के लिए। आर यू गेटिंग मी?
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो भी अच्छा है, दैट वॉज 9। अब यहां पे बहुत बड़े बड़े और राइट काफी अच्छे अच्छे राइटर्स आ गए हैं, मे बी कि वो पूछे नहीं पूछे अलग बात है, बट क्वेश्चन नंबर 10 जिसका के डायग्राम उन लोगों ने नहीं दिया है, राइट क्वेश्चन 10। तो पहले मैं डायग्राम बना दूं। क्वेश्चन 10 में सी डी एंड जी एच, तो मैं पहले गिवन लिखूं फिर आपको डायग्राम बनाऊं, राइट। सी डी गिवन, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ सच दैट बी एंड एच लाई ऑन साइड्स ए बी एंड एफ ई। हाँ जैसे बोला वैसे ही लिखना, ई एफ नॉट कर देना, एफ ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई एफ जी रिस्पेक्टिवली। इतना बड़ा गिवन है, टू प्रूव क्या है, और भी एक चीज दी है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर दिया है एफ ई जी से, सिमिलर। और प्रूफ क्या क्या करना है, तीन चीज है, वन सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। नंबर टू, मैं रब कर करके पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री लेंगे, ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई। और तीसरा है, अगर आप देखें तो ट्राइंगल डी सी ई डी सी ए सॉरी सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ। चलो ओके फाइन, नाउ देखते हैं यहां पे मैं राइट आपके लिए डायग्राम बनाऊंगा। अगर आप देखें तो पहले मतलब कि एक 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 प्रूफ ही हो पाएगा क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है। यहां देखे तो ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है अपने पास, राइट एफ ई जी, एफ ई जी क्योंकि सिमिलरिटी वो है, वो खास देखना, जो सिमिलरिटी है ना ए टू एफ बी टू ई और सी टू जी ऐसा होना चाहिए, बराबर। ओके अब यहां का एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर आप लोग लास्ट ईयर सीखे होंगे, टू पार्ट्स इक्वल पार्ट्स, ए सी बी का एंगल बाइसेक्टर कहां मिलता है, तो ए बी को डी में, और यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसको कहां पे मिलता है, एच पे, बराबर। अब हम लोग स्टार्ट करें प्रूफ, राइट। तो प्रूफ में अगर हम लोग देखेंगे, एस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो सभी के सभी एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ऑल द एंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट एंड एट द सेम टाइम ऑल द साइड रेशियो विल बी इक्वल। तो हम लोग कौन सा एंगल लेते हैं, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ, ध्यान से देखो ए टू एफ देन बी टू ई राइट और सी टू जी, देख रहे हैं आप लोग राइट लाइक दैट। यहां से अगर आप लोग देखो तो ए टू एफ बी टू ई एंड सी टू जी हुआ, बट बाइसेक्टर है ना, सी डी बाइसेक्टर है, तो यहां देखना सब एंगल ए सी डी राइट इज इक्वल टू मेजर एंगल ए सी डी, बाइसेक्टर है मतलब टू इक्वल पार्ट, इक्वल टू मेजर डी सी बी दैट इज इक्वल टू हाफ मेजर ए सी बी। ए सी बी का ये दोनों राइट हाफ हाफ है, पूरा ए सी बी है, इसके दो टुकड़े हो गए ए सी डी और बी सी डी, दोनों इक्वल पार्ट है। सिमिलरली अगर यहां पे मैं लिखूं तो एफ जी एच
खास देखना, एफ जी एच इक्वल टू एच जी ई, दैट इज हाफ ऑफ वॉट, तो के एफ जी ई, एफ मेजर इतना रह गया, एफ जी ई राइट, स्क्वायर इतना हो गया। अब हम लोग राइट सिमिलरिटी के लिखे, तो यहां से हम लोग सिमिलरिटी ध्यान से देखो राइट, कि हम लोग अगर दो ट्राइंगल लेते हैं, पहले कौन सा, डीसीबी और एचजीबी, ये नीचे वाला, खास देखना, ये जो मैंने राउंड किया है ना उसको देखो, तो उसमें अगर आप लोग देखेंगे राइट, तो ये रिजल्ट वन और ये आपका रिजल्ट टू राइट। यहां पे देखो राइट, इन ट्राइंगल डीसीबी एंड इन ट्राइंगल एचजीई, ये वाला लेता हूं डीसीबी एंड एचजीई राइट, तो एक एंगल आप लोग देख रहे हो, ये दोनों बाइसेक्टर है, दोनों इक्वल राइट, क्यों इक्वल, क्योंकि अगर आपका सी इक्वल है राइट, अगर आपका एंगल सी इक्वल है जी के साथ, तो दोनों टुकड़े भी इक्वल होंगे। आई रिपीट, इफ एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी, देन बाइसेक्टर दोनों, ये भी और ये भी इक्वल होंगे, मतलब कि हम लोग यहां पे क्या लेंगे, एंगल डीसीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू एचजीई, एक ये और दूसरा आप लोग जानते हैं बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई, यहां पे है रिजल्ट वन में, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई, हेंस बाय एए, बोर्ड पे दिख रहा हो तो ठीक है, बाय एए, एए क्राइटेरिया, दो ट्राइंगल हमारा ये हो गया, ट्राइंगल डीसीबी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एचजीई, बराबर। अब जरा ऊपर वाले पे आए, बराबर ऊपर वाले पे, और ऊपर वाले पे आए तो तीसरा भी ले लेंगे हम लोग, जरा साथ में देखना, अगर हम लोग यहां पे थोड़ी सी जगह निकाल के, अगर आपको नीचे तक दिखाई देता है तो देखना, ट्राइंगल लेते हैं ऊपर वाला, इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी एंड एफ जी एच, एफ जी एच, ये दो ट्राइंगल लेते हैं, इसमें कौन सा बाइसेक्टर इक्वल हो गया, तो एंगल ए सी डी ऊपर वाला पार्ट कॉन्ग्रुएंट, तो उसका आधा इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ जी एच, और अब एक और मिला हमको कौन सा, तो के ए कॉन्ग्रुएंट टू एफ, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ, आपको राइट पता चल गया कि पहले ट्राइंगल में ये दो ट्राइंगल का सिमिलरिटी हमने लिया, तब ये एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एक एंगल, और ये इसका हाफ, जो ये पूरा एंगल कॉन्ग्रुएंट है, सी इज कॉन्ग्रुएंट टू जी है, तो हाफ एंगल इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू, मैंने कौन सा लिया, डीसीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू एचजीई, ये लिया। अब ऊपर वाले ट्राइंगल में ये ऐसा चौकड़ा मारता हूं मैं राइट, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ एंड एंगल ए सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ जी एच, मतलब यहां पे भी बाय ए ए, अगर आप देखेंगे तो ट्राइंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ जी एच, या तो राइट एच जी एफ आपका हो गया, डीसीए लिखो के ए सी डी लिखो, डीसीए लिखो के ए सी डी लिखो, एफ जी एच लिखो के एच जी एफ लिखो, बीच में जी और सी आना चाहिए, दे आर सिमिलर राइट। तो अगर हम लोग देखें दोनों ट्राइंगल, सर आपने पहला तो प्रूव नहीं किया, मैंने जानबूझ के फर्स्ट प्रूव नहीं किया, क्योंकि वो इसके साथ कनेक्टेड है। अब देखो डीसीए ऊपर वाला ट्राइंगल सिमिलर हो गया, वंस दे आर सिमिलर वी कैन टेक द रेशियो, तो यहां से मैं रेशियो लूंगा सीडी, ऊपर वाले ट्राइंगल से सीडी, तो यहां से मुझे कौन सा लेना पड़ेगा, जीएच, सेम एज नीचे कटता है ओके, तो इसको मैं रब कर देता हूं, आगे का आप लोग देख लेना, अगर आपका एसीडी सिमिलर टू एफजीएच हुआ तो यहां से मैं क्या लूंगा सीडी, तो यहां से मुझे क्या लेना पड़ेगा, जीएच इक्वल टू, अगर आप देखेंगे राइट, दूसरा हमको क्या लेना है, ये साइड, एक ये साइड है जो हमको प्रूव नहीं करनी है, कौन सी दूसरी साइड बाकी है, तो कि एसी फ्रॉम दिस ट्राइंगल एंड एफजी फ्रॉम दिस ट्राइंगल, एंड हेंस आपका फर्स्ट भी प्रूव हो गया। मैं फटाफट आपको बता दूं
राइट, ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब टू इक्वल पार्ट्स, तो ये एंगल एसीबी के दो पार्ट हो गए, एक एसीडी एंड डीसीबी और एक हुआ एफजीएच एंड एचजीई. नाउ एस एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू जी, बोथ हाफ द एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू दिस हाफ द एंगल. फिर हम लोग बारी बारी से एक नीचे वाला ट्राइंगल लिया, डीबीसी लिया और एचईजी लिया, इसमें एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई. क्यों? तो कि पहले से उन लोगों ने सिमिलरिटी दे रखी है, वंस दे आर सिमिलर ऑल द एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई और ये हाफ एंगल डीसीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू एचजीई दैट बाय एए. ये नीचे वाला ट्राइंगल मतलब डीसीबी एचजीई का केस खत्म. अब ऊपर वाला ट्राइंगल, इसमें एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ, दे आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज दे मेंशन दैट दे आर सिमिलर. और दूसरा ये हाफ ऑफ एसीबी का हाफ कौन सा है, एसीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट एफजीएच. तो बाय ए ये दो ट्राइंगल, ये ट्राइंगल भी सिमिलर हो गया. ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो हमको एक रेशियो लेना है. यहां से मैं लूंगा सीडी तो यहां से मैंने लिया जीएच, यहां से मैं लूंगा एसी तो यहां से मैंने लिया एफजी. एंड दिस आउट राइट, दिस इज ओवर. तो होपफुली यू मस्ट हैव गॉट इट, आपको समझ में आया होगा राइट. तो दूसरा पार्ट मतलब नंबर 11 की ओर जा रहे हैं. यू कैन लिटरली सी आई एम नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 11. आज हमने सिर्फ अभी तक दो ही राइडर देखे हैं, 9 और 10 राइट. अब दूसरे राइडर की ओर, 11 में पहले गिवन लिख देते हैं. गिवन ई इज ए पॉइंट ऑन साइड सीडी प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइंगल एबीसी with they themselves mention AB equal to AC. If AD perpendicular to BC or EF perpendicular to AC, मुझे पूरे पूरे क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं. अगर ये एक्चुअल क्लास होते तो आई कुड नॉट हैव रिटन बिकॉज एवरीबडी मस्ट हैव गॉट द टेक्स्टबुक राइट. तो टू प्रूव क्या करना है, तो मैं यहां पे ही लिख देता हूं टू प्रूव ये गिवन राइट. Triangle ABD is similar to triangle ECF. Triangle उन लोगों ने figure भी draw करके दिया है. BC isosceles triangle है, मतलब ये दोनों same. यहां पे ही एक point है E और ये F है, ये भी perpendicular है और ये भी परपेंडिकुलर है. चलो डायग्राम ओवर, बराबर. प्रूफ के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये प्रूफ भी इसमें आ जाना चाहिए बट देन राइट 12 13 के प्रूफ शायद नहीं भी आए. चलो ओके, तो देखते हैं ए बी डी इज सिमिलर टू क्या लेना है ई सी एफ. इन ट्राइंगल ए बी सी, जरा ध्यान से देखो ए बी सी. आप लोग देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी दे मेंशन. ए बी इक्वल टू ए सी मतलब के साइड अपोजिट टू देम राइट. तो एंगल अपोजिट टू देम, साइड इक्वल है तो एंगल अपोजिट टू देम आर इक्वल, मतलब के एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो गया ए बी सी, रिजल्ट नंबर 1 बराबर. बट अब हम लोग एंगल तो वही रहेंगे, यहां तक ये देखना जरा ध्यान से देखना, यहां तक ये एंगल सेम रहेगा, सिर्फ आर्म छोटा हो गया उसका. सीडी के बदले मैंने डी तक ही किया, मतलब एबीसी के बदले और एसीबी एसीडी ऐसा पूरा है, इसके बदले एंगल तो सेम रहेगा, मैंने आर्म शॉर्ट कर दिए ये. तो मैं लिखूंगा एसीडी और यहां पे एबीसी के बदले मैं लिखूंगा एबीडी. इसको ऐसा लिख सकते हैं राइट. क्यों लिख सकते हैं ऐसा? अब यहां पे देखोगे तो एंगल ए बी डी, खास देखना, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू या तो इज कॉन्ग्रुएंट टू हम लोग क्या लेंगे ई सी एफ.
हाँ देखो ये एंगल सी है। अब ये स्टेप बराबर समझना, पहले मैंने आपको बताया टू साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल टू ए सी, एंगल अपोजिट टू देम आर इक्वल, मतलब एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी सी, यहां तक तो समझ में आ गया। फिर मैंने एंगल छोटा नहीं किया, आर्म छोटा कर दिया, एंगल तो सेम ही रहा यहां तक, एंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी डी। अब जरा ध्यान से समझो, ये एंगल ए बी डी, ये एंगल ए बी डी यहां पे ही है, ए सी डी के बदले, यहां देखो ए सी डी के बदले एफ सी ई लिख रहा हूं, एंगल सेम रहा। वापिस देखो ए सी डी के बदले, वापिस ध्यान से देखो ए सी डी के बदले एफ सी बी एफ सी ई, मतलब के एफ सी ई या ई सी एफ, एंगल तो आपका सेम ही रहा राइट। तो आप क्या लिखेंगे क्या यहां पे, तो ऐसा लिखना ई लाइज ऑन सी बी, ई लाइज ऑन सी बी एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड है ना ये राइट, एक्सटेंडेड टू कहां तक है, एक्सटेंडेड एंड एफ लाइज ऑन ए बी, तो आपका सी राइट, ई लाइज ऑन, ई लाइज ऑन सी बी एंड एफ लाइज ऑन ए सी, इसीलिए हम लोग इंस्टेड ऑफ ए सी डी के बदले एफ सी डी लिख सकते हैं, एफ सी ई लिख सकते हैं। चलो ओके फाइन, अब क्या करेंगे राइट, ट्राइंगल का सिमिलरिटी लेंगे, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ई सी एफ के बीच में सिमिलरिटी, ध्यान से देखो, ट्राइंगल ए बी डी मतलब ये ट्राइंगल और ये जो है ना बड़ा वाला ये राइट, इसमें क्या क्या कॉन्ग्रेंट है, तो सबसे पहले एंगल एफ इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, एंगल डी, क्यों, तो के राइट एंगल राइट, राइट एंगल, एंगल एफ इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल डी, एफ कहां से है, तो के ई एफ सी में एफ है और ए डी बी में डी, ये दो राइट एंगल हुए। अब दूसरा कौन सा एंगल है, तो के हमने ये प्रूव किया वो एक है आपका ए बी डी, यहां से ए बी डी और यहां से कौन सा एफ सी ई या तो ई सी एफ, ई सी एफ राइट, प्रूव आगे हमने किया राइट, ये रिजल्ट थ्री यहां पे लिख देने का प्रूव। तो अगेन बाय ए ए क्या हो गया आपका, अगेन ए ए राइट, हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ, हेंस प्रूव। ये था आपका 11th क्वेश्चन, रनिंग ऑफ टाइम का नोटिस आ गया। चलो तैयार, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, हो सकता है इंपॉर्टेंट भी हो राइट, गिवन स्टूडेंट्स मस्ट पे अटेंशन बिफोर मीटिंग विल बी ओवर, बहुत कुछ लिखा है लोगों ने, चलो सबको होपफुली समझ में तो आ रहा है। गिवन में साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रपोर्शनल साइड, ये उन लोगों ने दे दिया है प्रपोर्शनल साइड, खास समझना, क्वेश्चन समझो वो भी बहुत बड़ी बात है। साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी क्यू एंड क्यू आर, सॉरी प्रपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो प्रूव करना है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल
ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बी रेडी फॉर दैट इज दैट क्लियर नाउ अगर आप लोग देखेंगे राइट यहां पे तो सॉरी हाँ तो क्या दिया है टेक्स्ट बुक में राइट टेक्स्ट बुक में दिया है साइड्स ए बी एंड बी सी तो पहले मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं छोटे छोटे ट्रायंगल बराबर ए बी सी और दूसरा कौन सा है पी क्यू आर इनकी मीडियन है मीडियन ए डी और इसकी मीडियन क्या है राइट पी एम मीडियन का डेफिनेशन समझाया था राइट और समझाया था ऐसा कि मीडियन मींस व्हाट अ लाइन सेगमेंट हुज वन एंड पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू दैट वर्टेक्स अ लाइन सेगमेंट हुज वन एंड पॉइंट इज द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड अदर मिड पॉइंट इज द राइट साइड अपोजिट टू दैट वर्टेक्स एस को बोलते हैं मीडियन नाउ यहां देखो अगर आप देखेंगे सबसे पहले प्रूफ में बहुत लंबा राइडर है तो आपको देखना पड़ेगा प्रूफ प्रूफ में है ए बी अपॉन पी क्यू दे मेंशन ए बी अपॉन पी क्यू दूसरा क्या बोला है बी सी तो बी सी के साथ कौन है बी सी अपॉन क्यू आर और तीसरा मीडियन ए डी वो किसको प्रोपोर्शनल है पीएम को ए डी अपॉन पीएम ये है आपका गिवन ऐसा लिख देने का राइट नाउ यू गाइज आर नोइंग ए बी अपॉन पी क्यू इसको हाफ हाफ डाल दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर बिना कोई वजह से नहीं वजह है हाफ हाफ डाल दे तो देखो हाफ हाफ कैंसिल मतलब अपना बीसी अपॉन क्यू आर ही आ गया दैट इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम अब ये लिखने का मतलब क्या है मीडियन है तो ये दोनों क्या हो गया मिड पॉइंट ये राइडर खत्म हो जाए तो देख लेना राइट वापिस से आके समझाऊंगा तो हाफ बीसी इक्वल टू बीडी आप लोग जानते हैं डी इज द मिड पॉइंट तो बीसी का एक टुकड़ा बीडी है दूसरा डीसी है क्यूआर का एक पार्ट क्यूएम है दूसरा पार्ट एमआर है राइट इसलिए मैंने पहले पर्पसली हाफ हाफ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया मतलब कि हाफ बीसी मतलब एक काटो मत अब हाफ बीसी के बदले में क्या लिखने वाला हूं बीडी और वहां से क्या लिखूंगा क्यूएम और ये दोनों को बरकरार रखते हुए ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एम राइट ये आपका रिजल्ट आ गया वन राइट रिजल्ट वन यहां से मैं लूंगा तो बाय एस 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 अगर आप देखो तो ए बी टू पी क्यू बी डी टू क्यू एम ए डी टू पी एम बाय एस 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 कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो के ए बी डी इज सिमिलर टू वॉट ट्राइंगल पी क्यू एम समझ में आया ए बी डी इज सिमिलर टू वॉट ट्राइंगल पी क्यू एम अब एक बार ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम लोग क्या कर सकते हैं एंगल ले सकते हैं देयर फॉर एंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू वॉट एंगल पी क्यू एम अब जरा ध्यान से देखना हाँ अभी जो पिछले राइडर में समझाया था वही है इसी ट्राइंगल के ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर सिमिलर हुआ तो सिमिलरिटी का एक फंडा ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ये कॉन्ग्रुएंट होगा और ये कॉन्ग्रुएंट होगा बट हमको वो चाहिए नहीं हमको ये मेन चाहिए ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट पी क्यू एम बट इसको आगे अगर आर्म एक्सटेंड करे तो एंगल तो वही रहेगा इसको मैं लिख देता हूं ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट पी क्यू आर इसको मैं रिजल्ट नंबर क्या दे देता हूं टू बराबर अब ट्राइंगल पकड़ो जो हमको प्रूव करना है ट्राइंगल एबीसी इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यू आर चलो तो क्या हमारे पास ए बी अपॉन पीक्यू है यस रेशियो दिया है ए बी अपॉन पीक्यू दूसरा साथ साथ में अगर आप लोग देखो तो बीसी अपॉन क्यू आर है तो यस बीसी अपॉन क्यू आर बी है और मोर ओवर एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर है तो कौन सा लगेगा मैं सब स्टूडेंट्स को पूछता हूं कौन सा लगेगा चैट में बताओ बाय विच वन
बोलो बाय विच क्राइटेरिया, कमॉन कमॉन, कोई लिख नहीं रहा है, बाय विच क्राइटेरिया, हाँ आतिका ने लिखा SAS, सूरज ने लिखा SAS, ध्रुव ने लिखा SAS, फैंटास्टिक। चलो साइड एंगल साइड बराबर पूरी साइड है ना, बाय SAS हम लोग बोल सकते हैं ABC इज सिमिलर टू PQR। ये राइडर का वापिस सीखना तय है, तो वापिस से मैं फटाफट बता दूं, ABC एंड मीडियन AD, ये ट्राइंगल का ABBC एंड AD राइट ऑफ ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू PQ राइट QR एंड PM। ये उन लोगों ने प्रोपोर्शनलिटी दे दी है। ओके हमको प्रूव करना है कि पूरे पूरे ट्राइंगल ABC एंड PQR सिमिलर है। तो यहां पे देखो उन लोगों ने क्या क्या दे दिया है, तो कि AB अपॉन PQ राइट BC अपॉन QR एंड AD अपॉन PM ऐसा दिया है राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को अप्लाई करते हैं हाफ हाफ अपवर्ड डाउनवर्ड। हाफ हाफ अप्लाई किया तो आप लोग जानते हैं D इज अ मीडियन, AD इज अ मीडियन, D मिड पॉइंट, तो BD हाफ ऑफ BC, तो हाफ ऑफ BC इक्वल टू BD एंड हाफ ऑफ QR इक्वल टू QM, तो मैंने वो लिख दिया। अब अगर ये ट्राइंगल में आप देखो तो AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM एंड AD अपॉन PM से बाई खत्म। अगर आप देखे तो मैं यहां से समझा रहा था कि बाय SSS, लेट्स स्टार्ट बाय SSS राइट, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM सिमिलर हो गए, बिकॉज ऑल साइड्स AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM, AD अपॉन PM से वंस दे आर सिमिलर, तो हम लोग कोई भी एंगल और कोई भी साइड का एंगल कॉन्ग्रुएंट ले सकते हैं, साइड प्रोपोर्शन ले सकते हैं। तो मैंने यहां पे एंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू क्या लिया, PQM, मतलब ये पूरा एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो डी तक नहीं आप उसको खींच सकते ABC, मींस ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो गया, PQR। नाउ सिमिलरिटी बिटवीन दिस ट्राइंगल ABC एंड दिस ट्राइंगल PQR, तो क्या लेते हैं AB अपॉन PQ एंड BC अपॉन QR, वो तो गिवन से लिया है, यहां से देखो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR गिवन से लिया है, और ये एंगल रिसेंटली हमने प्रूव किया है एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR। तो साइड एंगल साइड आपको ही पूछ के लिखा, बाय SAS बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड हेंस दिस राइडर इज ओवर। तो तब तक लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13, हो सकता है छोटा है। क्वेश्चन नंबर 13, नाउ क्वेश्चन 13 में आप देखेंगे तो डी इज ए पॉइंट गिवन, डी इज ए पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC सच दैट एंगल ADC इज इक्वल टू BAC। एज आई मेंशन मेजर मेजर लिखना जरूरी है, इक्वल है तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव प्रूव करना है CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD राइट, प्रूफ और डायग्राम। ये भी राइडर राइट कोई कोई पेपर सेट में पूछा हुआ है, पेपर सेट में राइट। तो पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं आपका लाइक दैट, DACD बराबर। अब कौन से एंगल उन लोगों ने बता के रखे, एंगल ADC टू BAC, तो मैं आपके लिए दो छोटे छोटे ट्राइंगल ड्रॉ करके रखता हूं, ADC और BAC, BAC बड़ा है फिर भी राइट, ADC
और BAC, सॉरी, चलो ये फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आपको समझ में आए इसीलिए। प्रूफ में आगे स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल कौन सा तो कि ABC एंड ट्राइंगल BAC क्या क्या कॉन्ग्रुएंट है, तो उन लोगों ने दिया है एंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू BAC वन गिवन। और अगर आपको दिख रहा है तो ये दोनों कॉमन एंगल है, मतलब एंगल ACD इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, एंगल BCA, क्या लिखेंगे कॉमन। तो ये तो इजी हो गया ना, एक एंगल उन लोगों ने दिया, एक हम लोग लाए, तो बाय AA ट्राइंगल ADC सिमिलर टू ट्राइंगल BAC। एक बार सिमिलर हो गए राइट, तो यहां से मैं क्या लूंगा, ये ट्राइंगल से मैं लेता हूं CD, तो ये ट्राइंगल से मुझे क्या लेना पड़ेगा, वंस दे आर सिमिलर आई कैन टेक CD यहां से तो AC यहां से, डायग्राम से भी देखो और जिनको नहीं आया तो देखो, CD यहां से AC यहां से, एंड देन ये ट्राइंगल से AC और ये ट्राइंगल से BC क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब के AC स्क्वायर या CA स्क्वायर इक्वल टू CD इंटू BC, मतलब के जो दिया है वो, हेंस राइट आपका प्रूव हो गया CA स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका BC को लिखा CD और CD को लिखा CD, हेंस प्रूव राइट, इजंट इट दैट मच सिंपल। तो आपका और भी एक खत्म हो गया। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ह्यूज वन एंड दिस इज डेंजरस एज वेल, इसको आप टिक मार्क करके रखो। और आज अब मुझे रानी देखनी है कि यू हैव गॉट अ क्लास इन निशा टीचर और समथिंग लाइक दैट, सो आई विल कंटिन्यू राइट, अगर जूम परमिट दे तो। बहुत ही अच्छा राइडर, कोई कोई स्कूल जानबूझ के इसको पूछता है, क्योंकि ओल्ड वर्जन जो था उसमें इन लोगों ने फुल मार्क बोलते इसमें गलत प्रूफ दिया था, इसीलिए तैयारी रखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। नंबर 14 मैं सब तैयार रखू, गिवन ये बहुत बड़ा है, मतलब मुझे रब कर करके करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स खास ध्यान रखना और यहां पे राइट एब्सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन रखना, दिस इज रियली यू विल आस्क मी एवरी नाउ एंड देन राइट। गिवन है साइड्स इट सिमिलर टू 12, ऐसा लगता है पर ऐसा नहीं है, साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD, देखो रेप्लीकेट है वैसे आपको लगेगा, ऑफ ए ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली, मैं रिस्पेक्टिवली को शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, प्रपोर्शनल टू साइड्स PQ एंड PR एंड मीडियन PM ऑफ अनदर ट्राइंगल PQR, टू प्रूव, यहां पे लिख देता हूं भाई, टू प्रूव क्या है, ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, बहुत बड़ा राइडर है। ऑल द स्टूडेंट्स इसको राइट ध्यान से देखें, तो स्टूडेंट्स पहले मैं डायग्राम बना दूं राइट, क्योंकि ये डायग्राम यहां पे जो है वो नहीं है, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ये ABC और ये आपका ट्राइंगल PQR, जरा ध्यान ध्यान से देखना, ABC
राइट एनपीक्यूआर। अगर आप देखो तो अब मैं क्या करूंगा, मीडियन है ए बी एंड ए सी, देखो ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी, ये आपका मीडियन है ए डी ऑफ दिस ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू पी क्यू, उसके जैसा लग रहा है ना, बट नीचे की साइड नहीं है वहां पे। अगर ध्यान से देखो क्वेश्चन तो बीसी और क्यू आर थे, यहां पी आर आ गया अनफॉर्चुनेटली, ए सी एंड पी आर, और इसकी मीडियन कौन सा है, मीडियन मतलब के मिड पॉइंट, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी एंड एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। अब यहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करें, राइट, देख लो यहां पे मैं ले लेता हूं E और यहां पे मैं ले लेता हूं N। स्टिल सम ऑफ देम आर जॉइनिंग, राइट, स्टूडेंट्स आर स्टिल अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस। चलो देखो मैं लिखते जाता हूं बराबर और आप लोग इसको समझते जाना। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एडी मीडियन, एडी इज ए मीडियन, बराबर ध्यान से देखना, मैं काफी स्लो जाऊंगा, हो सकता है ये लास्ट राइडर भी हो जाए। एडी इज ए मीडियन मतलब पीडी इक्वल टू डीसी, बराबर बराबर। पॉइंट ई, लेट्स टेक पॉइंट ई ऑन AD, such that AD equal to DE, equal to 2AD, AD equal to DE, बराबर, ले ले ले, that is, हम लोग पूरा AE लिखे तो क्या होगा, AE is double than AD, ये मीडियन है, मीडियन हम लोग क्या लेते हैं, पहले तो D मीडियन है, AD मीडियन है तो D मिड पॉइंट है, मतलब कि BD equal to DC है, राइट, BD इक्वल टू DC है। अब हम लोग एक पॉइंट लेते हैं यहां पे, लेट्स टेक पॉइंट E, कैसा लेते हैं कि AD इक्वल टू DE, मतलब कि आपका AE जो है राइट वो AD से डबल है, इज दैट क्लियर, ऐसा हम लोग जानबूझ के कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल बना, देखो ए बी ई सी एक क्वाड्रिलेटरल बना, क्वाड्रिलेटरल बना जिसमें अगर आप लोग देखो तो ये दोनों भी इक्वल, ये दोनों भी इक्वल, मतलब बाइसेक करते हैं डी पे, हेंस ए बी ई सी आपका क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, ए बी ई सी इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, बीई इक्वल टू ए सी, इतना लिख के तैयार रखते हैं, बीई इक्वल टू ए सी, बोर्ड पे दिख रहा है ना सबको, तो मैंने यहां तक कंप्लीट किया, राइट, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, मैं वापिस से आपको समझा देता हूं, ये ट्राइंगल एबीसी है यहां तक और एडी मीडियन है, एडी मीडियन मतलब डी मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट मतलब बीडी इक्वल टू डीसी है, यहां लिखा। अब एक पॉइंट ई लिया मैंने, ऐसे ऐसा लिया कि एडी इक्वल टू डीई हो, मतलब कि एई जो है वो एडी का भी डबल और डीई का भी डबल, बट हमको चाहिए एडी, इसीलिए मैंने टू एडी लिख दिया। अगर आप क्वाड्रिलेटरल एबीईसी लो तो एबीईसी में ये पैरेललोग्राम हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एट डी, व्हेन दे बाइसेक्ट एट डी राइट, तो अपोजिट साइड ए बी और ई सी तो सेम ही है, हमको वो नहीं चाहिए, हमको कौन सी चाहिए, बी ई इक्वल टू ए सी, राइट, रिजल्ट नंबर वन। अब हम लोग दूसरा वाला देखेंगे, राइट, दूसरा वाला मतलब कि कौन सा वाला, यहां पे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू एम इक्वल टू एम आर, पॉइंट एन ऑन पीएम सच दैट पीएम इक्वल टू एमएन, मतलब के आपका पीएन, वापिस ध्यान से देखोगे तो डबल देन पीएम, इसको राइट पीएन इज डबल देन पीएम। अब ये देखो ये दोनों भी सेम हो गया, ये दोनों भी सेम हो गया, बाइसेक्ट करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एन आर भी क्या हो गया, पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम हो गया,
क्योंकि द डायगोनल बाइसेक्ट एट मिड पॉइंट, एम पे मिड पॉइंट, यहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट एट डी। अगर ऐसा हुआ तो यहां पे भी हम लोग कुछ लेना चाहते हैं, अपोजिट साइड, मतलब कि कौन सी, पी आर इक्वल टू क्यू एन, जिसको मैं रिजल्ट नंबर क्या दूंगा, टू। यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो यस 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 लिखो, राइट। इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड तो यस 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 लिखो। ओके अब देखो उन लोगों ने क्या दे रखा है, ए बी ए सी एंड ए डी। तो कि ए बी किसको प्रोपोर्शनल है, तो कि पी क्यू को, वेरी गुड, राइट। दूसरा कौन सा दिया है, ए सी, ए सी किसको है, तो कि पी आर को, बराबर। और बीच वाला ए डी टू पी एम, ये गिवन है, दिस इज व्हाट गिवन, राइट। अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज गिवन। अब मैं क्या करूंगा, एडी के बदले टू एडी लिखने वाला हूं, जरा ध्यान से देखो, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, मैं टू एडी अपॉन टू पी एम लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाई टू टू कर सकते हैं ऊपर नीचे, मतलब वी आर डूइंग नथिंग न्यू, या तो हम लोग हाफ ऑफ कर सकते हैं जो पिछली डायग्राम में है, पर हमारे पास टू एडी इक्वल टू कुछ है, टू एडी इक्वल टू क्या है, ए, और टू पी एम इक्वल टू क्या है, तो यहां पे मैं नीचे दिखाई देता है स्टिल, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, दैट इज टू एडी के बदले में क्या लिखूं, ए ई, और टू पी एम के बदले में क्या लिखूं, पी एन। अब दो ट्राइंगल को देखो, राइट, ध्यान से देखोगे ए बी सी और पी क्यू आर को, बराबर। अगर आप देखेंगे तो बाई एस एस एस, अगर आप देखें ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, बराबर, और ए ई अपॉन क्या लेंगे, तो ए सी अपॉन पी आर के बदले हम लोग क्या लेंगे, आप जरा ध्यान से देखो, ए सी अपॉन पी आर के बदले हम लोग क्या लेंगे, तो आई थिंक आई विल रब दिस, वापिस से मैं उसके पहले समझा दूं, ट्राइंगल ए बी सी, ए डी मीडियन है, बी डी इक्वल टू डी सी है, लेट्स टेक पॉइंट ई ऑन ए डी सच दैट ए डी इक्वल टू डी ई है, और ए ई डबल हो गया। अब मैं यहां पे कुछ करने वाला हूं, तो यहां से यहां आ जाओ, ए बी अपॉन पी क्यू, अब देखो ये ए सी के बदले पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड कौन सी हुई, बी, और पी आर के बदले अपोजिट साइड कौन सी हुई, क्यू एन, और ये मैंने ऑलरेडी चेंज कर दी है, ए ई अपॉन पी एन। अब यहां पे मैं आपको कुछ पूछूं, ये कौन से दो ट्राइंगल का सिमिलरिटी है, वो मुझे जरा लिख के बताओ फटाफट, इवन दो आई विल टेक टाइम, कौन से दो ट्राइंगल है, राइट, आप अंदर लिखो, वो सिमिलर कौन से दो ट्राइंगल का है सिमिलरिटी, वो मुझे लिख के बताओ। ए बी ई पी क्यू है, वेरी गुड। देखो ए बी अपॉन पी क्यू, बी ई अपॉन क्यू एन, ए ई अपॉन पी एन, मतलब कि कौन से ट्राइंगल हुए, तो कि ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एन। अब मैं आपको बता दूं यहां पे, वंस दे आर ए बी ई पी क्यू एन हो गया ना, तो हम लोग एंगल तो ले सकते हैं ना, कौन सा एंगल ले सकते हैं, तो कि ये एंगल बी ए ई, देयर फॉर वंस अ ट्राइंगल सिमिलर, मैं लेता हूं बी ए ई इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो गया, यहां से क्यू पी एन। अभी तो ये आधे पे पहुंचे, अब देखो सिमिलरली ये ट्राइंगल देख रहे हो आप लोग, सिमिलरली एग्जैक्टली ए सी ई और पी आर एन भी सिमिलर हो जाएंगे, मैं आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं, मैं ओरली बता दू, सिमिलरली ट्राइंगल ए सी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर एन, कैसे, तो क्या देखो ये आप ए ई अपॉन पी एन तो आ ही गया है, ए सी उन लोगों का है ही, ए सी अपॉन पी आर, बराबर, तो ए सी अपॉन पी आर
एई अपॉन पी एन, और ये जो आप लोग साइड लेने वाले हैं उसके अपोजिट साइड कौन सी है राइट, तो हम लोग कौन सी लेंगे यहाँ पे इसी के बदले ए बी राइट, तो ए बी अपॉन पी क्यू के बदले हम लोग कौन सी लेंगे सी, तो ये एक ए सी और ये, तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे ये ट्राइंगल प्रूव किया ए बी ई वैसे ये ट्राइंगल भी प्रूव हो जाएगा सामने, अब ये ट्राइंगल प्रूव हुआ तो यहां से हम लोग कौन सा एंगल लेंगे सी ए ई इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट आर पी एन, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आया मैं बताता हूं बराबर, अब सी ए ई एंड आर पी एन ये रिजल्ट वन और ये रिजल्ट टू मुझे तोड़ के सामने जाना है, फिर मैं आपको वर्बली पूरी राइडर बता दू, बी ए प्लस सी ए लेफ्ट, बी ए प्लस सी ए लेफ्ट लेफ्ट इक्वल टू क्यू पी एन प्लस आर पी एन, बट बी ए प्लस सी ए मतलब पूरा एंगल ये हुआ ओके यस, क्यू पी एन यहां पे देखो क्यू पी एन प्लस आर पी एन तो पूरा एंगल पी हुआ हुआ, अब जरा ध्यान से देखो इन लोगों का सिमिलरिटी, उन लोगों ने दिया था ए बी अपॉन पी क्यू दिया था, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, और बीच वाला एंगल इंक्लूडिंग एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी, हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, इज दैट क्लियर, चलो इसके लिए तैयार हो जाओ वापिस से, नाउ दिस इज अ ह्यूज वन, यहां पे क्या दिया है साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी प्रपोर्शनल ऑफ दिस ट्राइंगल ए बी सी, यहां तक ही है प्रपोर्शनल टू साइड पी क्यू पी आर एंड पी एम, इतना दे दिया, मतलब हम लोग लिखेंगे इनिशियली ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, अब हम लोग सपोज करते हैं एडी इक्वल टू डी, और ये ए जो है वो एडी का डबल हो गया और ये पीएन जो है तो पीएम का डबल हो गया बराबर, तो हम लोग क्या लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू ए अपॉन पीएन इक्वल टू क्या लिखेंगे ए सी अपॉन पी आर, बट ए सी के बदले क्या लिखेंगे ए सी के बदले बी और पी आर के बदले क्या लिखेंगे क्यू एल, ए सी के बदले क्या लिखा हमने राइट एसी, ये एसी के बदले हमने क्या लिखा बी क्यों पैरेललोग्राम पी आर के बदले क्या हुआ, तो ये आपको ये लेफ्ट साइड का ट्राइंगल मिला ए बी अपॉन पी क्यू ए अपॉन पी एन इक्वल टू बी अपॉन क्यू एन, ये ट्राइंगल हो गया, वंस दे आर सिमिलर तो हम लोग एंगल लेंगे बी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट क्यू पी एन, अब ये साइड वाला लेंगे ये साइड कौन सा सी ए एंड आर पी एन, यहां पे देखो AC अपॉन PR दिया है बराबर, RN बराबर RN है AB के बदले क्या लेंगे CE, PQ के बदले क्या लेंगे RN और PN तो PN ही रहा, तो आपका कौन सा ट्राइंगल सिमिलर हो गया ACE सिमिलर टू व्हाट PRN, वंस दे आर सिमिलर तो हम लोग लेंगे CAE इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट RPN, फिर ये हाफ और ये हाफ दोनों को ऐसे ज्वाइंट कर देते हैं, यहां से हमने ये प्रूव किया यहां से हमने ये प्रूव किया, तो बी ए बी ए प्लस ई ए सी इक्वल टू पी क्यू क्यू पी एन प्लस एन पी आर, तो आपका राइट ट्राइंगल कौन सा हो गया ये दो ट्राइंगल मर्ज हो गए तो एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, हमारे पास पहले से एक रेशियो है ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर और एंगल ए इज एंगल पी, मैंने सिर्फ वो नहीं लिखा वो क्या by SAS this rider you bound to see every now and then otherwise you will forget, is one of the very good rider right, this number and 14 ko yaad rakhna, this is really a very good one, ab hum log time permit karte hain to number 15 ki aur chalte hain, wo ek sum hai सम नंबर 15,
तो अगर समझ में आया हो तो ठीक है, राइट के ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर मैं वापस से समझा देता हूं। ए बी 6 मीटर, ये एच, इसका शैडो बीसी 4 मीटर, इसका शैडो 28 मीटर। ए बी इज द वर्टिकल पोल एंड बीसी इज इज शैडो। PQ is the tower and QR is its shadow. Both the shadows are measured at the same time. Angle C and angle R are angle of elevation. Both the triangles are similar by two right angles and two angle of elevation. By A, दोनों triangles similar हो गए, तो AB upon PQ equal to BC upon QR ले, by A, 6 upon H equal to 4 upon 28. Right, तो आपका answer H equal to कितना आ गया? 42 meter. Thus how? ये आपका अगर लास्ट राइडर है, पर ओनली 5 मिनट्स टू गो, लेट्स होप इफ यू कैन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16। इफ एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर रिस्पेक्टिवली, वेयर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, वो आगे रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था। AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM प्रूव करना है, राइट? डोंट रन अवे, अगर टाइम मिला तो ठीक है, नहीं तो नाउ लास्ट वन डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। A B D C, राइट, मीडियन है। P Q R M मीडियन है, PM मीडियन है, ओके। नाउ गिवन, और प्रूफ स्टार्ट करते हैं यहां से। प्रूफ में देखेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू क्या दिया है, PQR। वंस दे आर सिमिलर तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, यहां से AB तो यहां से PQ, राइट, यहां से BC तो यहां से QR, राइट। मोर ओवर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू क्या लेंगे, ये हाफ PD हाफ BC ले सकते हैं, हाफ BC अपॉन हाफ QR, बट व्हाट इज हाफ BC, ओके, BD अपॉन क्या लेंगे, QM। मतलब कि एक रेशियो आ गया, AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM, सॉरी वो मीटिंग खत्म हो जाए इसी फिराक में। तो अब इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, आप लोग जानते हैं एबी तो यहां से पीक्यू, यहां से बीडी तो यहां से क्यूएम है, बट अगर ये सिमिलर हो गया तो ये एंगल भी तो कॉन्ग्रुएंट होगा ना, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। अब यहां पे देखो ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी के बदले हम लोग क्या ले सकते हैं, बीसी ले सकते हैं, राइट, बीसी ले सकते हैं, तो ए बी अपॉन पी क्यू